नमस्ते फ्रेंड, आपका नीनी मिनी क्राफ्टर में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने एक सर्कल कार्डबोर्ड ले लिया है, फिर मैंने कुछ ड्रॉ किया था इस तरह से, मतलब अंतरिक्ष जैसा कुछ। मतलब यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाली हूँ, जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं जो भी मेरे कार्डबोर्ड में आ जाएगा, रॉकेट हुआ और जो भी, तो स्टार्स ये सब मतलब मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। तो आप चाहें तो बड़ा कार्डबोर्ड लेके उसमें और भी डिटेलिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितना ही हो सका उतना ही किया है, और एक नाम भी लिखा है अपने बेटे का। तो ये मैं अपने बेटे के रूम के बाहर ऐड करूँगी, और कम मतलब उसके रूम के बाहर, मतलब जिससे लगे उसका रूम है और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो मैं इसका पार्ट वन पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप अगर जो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ये मैं पार्ट टू लाई हूँ। तो दिवाली का टाइम आने वाला है, तो यहाँ स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट हो गया है मेरा डेकोरेशन से रिलेटेड हर चीज़, और उसी से ही रिलेटेड मेरे वीडियो भी आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट में अपने बेटे का मतलब जो भी की, तो बहुत सारे DIY हूँ पर मैं दो ही पार्ट में ले आऊँगी, क्योंकि मुझे और सारे भी वीडियो लाने हैं। तो यहाँ पर मैंने बेटे का नाम लिख के थोड़ा सा 3D पैटर्न में करने के लिए यहाँ पे वॉल पुट्टी का ही मैं यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से उसका नाम भी बना लेंगे, और फिर उसके बाद सब चीज़ों को सुखाने के बाद, कलर करने के बाद, सबको इसमें चिपकाते भी जाएंगे। और मैंने यहाँ पे ग्लिटर सीट लिया है ये स्टार के लिए। तो अगर आप चाहें तो सिंपल भी कार्डबोर्ड या फिर थिक पेपर पर भी इसको यूज करके कलर कर सकते हैं, पर मेरे पास उस टाइम ये सब अवेलेबल था तो मैंने उसी का ही यूज किया है। आप चाहे तो उसको भी थोड़ा 3D बना सकते हैं वॉल पुट्टी से या फिर क्ले से। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और साइड में भी मैंने वॉल पुट्टी का डोरी लगा दिया है, बहुत ही सिंपल से हैं। और आप अपने बच्चों के रूम को डेकोर कर सकते हैं इन छोटी छोटी आइडियाज़ के साथ। तो मैंने तो अपने बेटे का रूम डेकोर कर लिया है, आप भी फटाफट जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके और डेकोर आइटम बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके पहले भी मैंने दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजर क्राफ्ट बनाए थे, तो आप चाहें तो मेरे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे बच्चों के कमरे या फिर अपना खुद का कमरा किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, कौन से क्राफ्ट बनाने, कौन से DIY। बहुत ही सिंपल और घर की ही चीज़ों से मैंने बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट बनाए हैं जो बहुत ही यूजफुल और खूबसूरत लगेंगे, और आसान तो होता ही है। और यहाँ पे मैंने अपने मनपसंद कलर से रॉकेट को कलर कर लिया है। तो इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ों को कलर करके, इस पर मैंने थोड़ा सा कार्डबोर्ड का कट ही किया था, तो उस पर थोड़ा सा वॉल पुट्टी से पहले मैंने थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लिया था, थोड़ा सा ठीक हो जाए, जिससे कि कागज़ कार्डबोर्ड जो भी पतला था थोड़ा सा 3D पैटर्न में लगने लगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वॉल पुट्टी का एक लेयर लगा दिया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही था। और उसके बाद इन सबको भी कलर करने के बाद फिर कार्डबोर्ड का जो भी है वो काम कर लेंगे। मैंने वाइट से ही नाम को कलर किया है, फिर साइड में मैंने येलो ही का किया है। कलर टोटली आपके ऊपर है, जो भी अवेलेबल है या जो कलर पसंद है आपके बेटे को वो भी कर सकते हैं। वैसे मेरे बेटे का फेवरेट कलर तो येलो है। और यहाँ पे मैं एक एक चीज़ों को एड ऑन करूँगी, कहाँ पर कौन सा मतलब फिक्स हो जाएगा। ज़्यादा जगह तो नहीं था, लेकिन हाँ जितना चीज़ें हो पाए। पहले तो मैंने सोचा था 5 स्टार मैंने मतलब मैं कार्डबोर्ड में लगाऊंगी और हैंग भी करूंगी, मतलब बहुत सारी चीज़, लेकिन कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने 3 ही चिपकाया, क्योंकि जगह भी ज़्यादा नहीं था और हाउस पाउच हो जाता तो भी अच्छा नहीं लगता, तो इस हिसाब से। और ये मैंने यहाँ पे कुकी कटर से स्टार को कट किया है। अगर आपको स्टार बनाने आता है तो आप सिंपल वैसे भी बना के कट कर सकते हैं, तो मेरे लिए वो हेल्पफुल हो गया था, तो मैंने वो आपको शेयर किया था कुकी कटर से किस तरह से काटने का। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। मुझसे स्टार सही से नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने मुझे ध्यान आया कि कुकी कटर भी है, मैं उससे भी कर सकती हूँ।
तो मेरे पास 3 शेप में था तो मैंने उसे यूज किया। और यहाँ पीछे हैंग करने के लिए मतलब इस तरह से मैंने डोरी अटैच की और इन सबको यहाँ पे स्टार को मैं हैंग कर दूँगी और एक वॉल डेकोर आइटम तैयार हो गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह से इनको मैं पीछे फेविकोल लगा के ऐड कर दूँगी। और अभी थोड़ा सा गीला था इसलिए मैंने यहाँ पे टेप भी लगा दिया था। तो बस इतना ही काम था और हमारा पहला वॉल डेकोर तैयार हो गया। चलिए दूसरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल पुट्टी ले लिया है और एक प्लास्टिक का सीट ले लिया है। ये ज़रूरी था क्योंकि हम जो भी बनाएंगे वो निकलने में आसानी रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे शायद अब क्या मैं बना रही हूँ। तो मेरे बेटे को रैम्बो बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पे रैम्बो का ही मतलब यहाँ पे क्राफ्ट बनाया है। तो मैं यहाँ पे डोरी ऐसे बनाते हुए, बहुत सिंपल सा था और जल्दी बन गया। लेकिन मेरे से थोड़ी सी गलती ये हुई थी कि ये वॉल पुट्टी काफ़ी देर तक मैं बना के रखी थी और मतलब कुछ काम में लग गई थी तो ये वॉल पुट्टी थोड़ा सा सूखने लगा था। तो देख रहे होंगे थोड़ा सा ड्राइनेस हो रहा है। तो जब ड्राई होने लगता है तो थोड़ा सा इसका टेक्सचर अलग आने लगता है। इसीलिए आप तुरंत बनाओ और तुरंत इसको काम करो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर तब भी ये बहुत अच्छा बन गया था। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्मूथ करते हुए काम किया है तो ये थोड़ा सही है। ऐसा मतलब बेकार तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा जो ताज़ा होता है उसमें काम करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कुछ स्काई बना लिए हैं तो दोनों साइड में इस तरह से बना के चिपका लेंगे। और एक गलती मैंने की थी कि डोरी हैंग करने के लिए डोरी मैंने पहले सोचा नहीं और बाद में मुझे ध्यान आया जो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में स्काई इस तरह से बादल कुछ की डिटेलिंग कर ली है और पानी से इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हुए चलेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी ड्राई भी हो गया था। और यहाँ पे कुछ ड्रॉप बना लिया है मैंने, बादल से पानी टपकने का कुछ ऐसा इफेक्ट डाला है। तो पहले यहाँ पे डोरी लेके इस तरह से आपको जितना लंबा जैसा रखना है तो उसको भी ऐड करके आप इस तरह से ड्रॉप बनाते चलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि बाद में फिर डोरी पीछे से चिपकाना वो अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए, ये मैंने एक गलती की है कि पहले से ये डोरी वाला काम कर लेना है उसके बाद आपको स्काई ऊपर से रखना है जिससे आपको ये दिक्कत ना आए जो मुझे दिक्कत आ रही है। बार बार उसको देख रहे हैं उठा के, फिर मतलब टूटने का भी थोड़ा सा डर है, हो सकता है कहीं कहीं क्रैक भी हो जाए। पर मतलब थोड़ा दिक्कत तो हुआ लेकिन मैंने किसी तरह कर लिया, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। पर जो मैं डोरी हैंग करने के लिए लगाऊंगी उसमें मुझे बहुत ही दिक्कत आई है तो इसलिए मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है कि आप मेरी वाली गलती मत करिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई हो गई थी तो कहीं से क्रैक हो रहा था तो उस पर मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा के उसको स्मूथ कर लिया। और इस तरह से दोनों तरफ मैंने चिपका के इसको ड्रॉप को थोड़ा सा पानी लगा के स्मूथ कर लिया है। अब ये देखिए मैंने एक डोरी ली है जिससे मुझे हैंग करना है। तो अब मुझे थोड़ा सा बाद में दिमाग खुला कि मैं बना तो ली लेकिन इसको हैंग कैसे करूँगी। तो इस तरह से मैंने पहले पट्टी तैयार कर ली और ये प्लास्टिक अभी गीला था मेरा रैम्बो तो उसको उठाती तो टूट ही जाता या क्रैक होता, मतलब कुछ तो होता। लेकिन मैंने किसी तरह कुछ पतला चाकू या कुछ भी ऐसा लेके उसके नीचे मतलब जगह बनाया। फिर इस तरह से देखिए धीरे धीरे किस तरह से मैं उसके अंदर इंसर्ट करके फिर चिपका रही हूँ और देखिए बीच में क्रैक हो गया है। मैं खिड़की पे काम कर रही थी तो धूप बहुत तेज आ रही थी तो थोड़ी सी काफ़ी लाइटिंग हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से ऊपर से पेस्ट लगाया पर कोई बात नहीं, बाद में तो सब सही हो गया। लेकिन ये है कि मुझे डबल काम करना पड़ा तो वो आपको ना करना पड़े इसलिए जो मैं अब कर रही हूँ तो डोरी वाला काम भी पहले आप एक डोरी रख के उस पर वॉल पुट्टी ऐड करके उसके बाद आप ये रैम्बो रखते जाइए तो आपको ये डबल काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने मतलब बाद में उस पर हार्ट छोटा छोटा सा रख दिया। मेरा बेटा बोल रहा था कि मुझे हार्ट भी इसमें चाहिए दिखने में तो मैंने वो भी डिटेलिंग लगा दिए।
जिसे एक यूनिक रेम्बो बन गया है। आग तो नहीं आएगा लेकिन पता नहीं क्यों ही उसे पसंद आया। और यहाँ पे जितने रेम्बो के कलर होते हैं मैंने उतने कलर यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ कलर थे तो कुछ नहीं थे, तो मैंने मिक्स मैच करके सबको सात कलर में मैंने कर दिया। और यहाँ पे स्काई और जो ड्रॉप है उसको मैंने स्काई ब्लू से कर दिया। और यहाँ कुछ बिट्स हैं, इस तरह से मैंने डिटेलिंग करके इनको अब हैंग कर दिया है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।